मंत्री ने श्रमिकों के लिए खोला सौगातों का पिटारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायाब सिंह सैनी द्वारा रखी गई 33 मांगों को मौके पर स्वीकृति प्रदान की। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को मनोहर सौगात देते हुए हरियाणा के असंगठित कर्मकार सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसके साथ ही सन्नी निर्माण कर्म का कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 60 वर्ष की आयु से अधिक के श्रमिकों को बोर्ड की ओर से मिलने वाली 1000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ा करके 2500 रुपये मासिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के संगठित और असंगठित दो क्षेत्र हैं। हरियाणा में लगभग 25% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है, इसलिए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है। आज बहुत ही पवित्र दिन है और पवित्रता के होने का प्रमाण आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जयंती का दिन है। एक तरफ भगवान जी का जन्मदिन है, दूसरी ओर इसी के साथ मुख्यमंत्री ने देश के श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर से केंद्र सरकार वर्ष 2014 के SECC डाटा के आधार पर गरीब परिवारों को 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में SECC डाटा के आधार पर इस समय 14,00,000 गरीब परिवार हैं, जिनमें से 8.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। लेकिन जो परिवार किसी कारणवश SECC डाटा में नहीं आ पाए हैं, उन श्रमिक परिवारों को सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से 5,00,000 रुपए की राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी जाएगी। आप देख रहे हैं करनाल पल पल से एक खास रिपोर्ट। कारीगर के बिना वो कभी संभव नहीं होता है, या तो निर्माण के द्योतक भगवान शिव शंकर को कहते हैं जिन्होंने इस जगत का निर्माण किया, और या फिर इस जगत के निर्माण के बाद हमारी दैनंदिन काम आने वाली सब चीजों का निर्माण उनके द्योतक भगवान विश्वकर्मा, हम जिनके सब वंशज हैं, हम जिनको मानते हैं, जिनके अनुयायी हैं, हम सबके बिना ये समाज अधूरा है। इस समाज में यदि लोगों को सुख साधन की आवश्यकता है तो हर प्रकार के निर्माण में, चाहे वो मकान का निर्माण है, चाहे मशीनरी का निर्माण है, चाहे हमारे कपड़े का निर्माण है, हमारे जूते का निर्माण है, हमारे किसी भी प्रकार के निर्माण की बिना श्रमिक के संभव हो नहीं सकता। इसलिए अगर हम उसको समाज का हित करना है तो श्रमिक का हित ये महत्वपूर्ण है, इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। आज एक सामान्य श्रमिक की जितनी तकलीफें हैं, जितनी उनके कठिनाइयां हैं, उन सब कठिनाइयों को, उन तकलीफों को दूर करने का काम ये आज केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार या तो वो पूरा कर रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा श्रम विभाग ये उसको पूरा कर रहा है। एक एक छोटी छोटी बात पर हम सोचते हैं कि कैसे काम किया जाए। हमने पिछले वर्ष सोनीपत में वो जितनी बातें उस समय सामने आई थी उन सबको हमने पूरा किया, लेकिन इस बार भी जब हमारे श्रम मंत्री, हमारे श्रम विभाग के जितने अधिकारी, जितने और जितने भी नेता, वो सब बैठे, विचार किया कि इसमें से बहुत कुछ करना बाकी है। एक बड़ी बात हमको ध्यान में आई, जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक है, देखा
तो उसमें दो प्रकार के वर्ग हैं, एक संगठित वर्ग है कि असंगठित वर्ग है, एक ऑर्गेनाइज्ड है एक अनऑर्गेनाइज्ड है। कुल हिसाब लगाया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में सिर्फ 25% श्रमिक आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में 75% आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा क्षेत्र है उसके कल्याण के लिए तो हमने कई प्रकार के बोर्ड बनाए हैं, श्रम कल्याण बोर्ड हमारा बनाया हुआ है और भी कई संगठन काम करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज के लिए कोई सरकारी बोर्ड नहीं है। आज इस मंच से मित्रों में घोषित करता हूं कि हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ये बनाया जाएगा। आज से वो सब लोग जो कहीं छोटे छोटे कामों में लगे होते हैं, कहीं भी मजदूरी करते हैं, चाहे वो छोटे प्रकल्प हो बड़े प्रकल्प हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से रजिस्टर तरीके से काम नहीं करते हैं, इन सब के लिए ये बोर्ड जो है कल्याण का काम करेगा। उनका सबका भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कम इस मजदूरी करने वाले व्यक्ति की जो कठिनाइयां हैं, खास करके हमारे समाज के अंदर ये जो बाल मजदूरी का ये जो कलंक है इसको हमको दूर करना है, और ये असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। अगर आज बालक उसकी उम्र है पढ़ाई की, उसकी उम्र है विकास की, उसकी उम्र है तरक्की करने की आगे बढ़ने की, 18 वर्ष से कम की आयु का कोई बालक वो कोई मजदूरी कोई श्रम के नहीं करना चाहिए उसको। उसकी देखरेख या तो उसके माता पिता के जिम्मे है, माता पिता उसको करने के लिए मान लो सक्षम नहीं है, तो फिर सरकार का दायित्व तो बनता है कि ऐसे सब बाल मजदूरों के विकास की बात, उनकी पढ़ाई की बात, उनको आगे बढ़ाने की बात ये सरकार करेगी।